नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी का। तो इस वक्त टीम की मौजूदगी बनभूपुरा के जवाहर नगर में यहाँ मौजूद है, और यहाँ मौजूद होने का कारण है कि बीते दिन यहाँ पे एक जो शव है वो मिला है। और जो जानकारी हमारे पास आई है, बता दूँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रकाश जो मकान आपको नज़र आ रहा होगा उस दुकान के ऊपर वाले मकान में जो बॉडी है वो मिली है। क्या पास से होंगी तस्वीरें दिखाइए, जो सामने आपको मकान नज़र आ रहा होगा वही यही वो मकान है जहां बीते दिन जो बॉडी है वो बरामद की गई। और कुछ इस प्रकार से मामला है, इस प्रकार से हमको पहले शुरुआती चरण में जानकारी मिली कि 50 साल के, जिनकी उन्हें 50 साल थी, भीम सिंह मृतक का नाम बताया जा रहा है। उसकी कहने गई वो बेसुध अपने कमरे में पड़ा हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी, व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला था। जिसके बाद मकान मालिक को चिंता हुई, जब वो वहाँ गए उन्होंने देखा झांका तो वो बेसुध अवस्था में अपने मकान के कमरे के अंदर पड़ा था। इसके बाद सूचना दी गई, उसको अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुँचने तक उसको मृत घोषित कर दिया गया। बता दें पूरा जो मामला है वो शराब से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस प्रकार से जिले में नशे के खिलाफ लगातार प्रशासन अभियान चला रहा है, नशे को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं नशे में काबू पाने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर अलग तरीके के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन फिर भी लोग हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और यही कारण है कि कल फिर से एक व्यक्ति की शराब ने जान ले ली है। और ऐसी जानकारी हमें मकान मालिक की ओर से दी गई है कि जो व्यक्ति था काफ़ी शराब पीता था, और शराब पीने के कारण कल उसकी तबीयत ख़राब हुई। और तबीयत अमूमन ख़राब रहती ही थी, लेकिन कल जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद जब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तब जब देखा गया तो व्यक्ति वहाँ पर बेसुध पड़ा हुआ था। बहरहाल इस रिपोर्ट को बनाने का तात्पर्य केवल ये है कि नशे के खिलाफ इस प्रकार से जिले में लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से घटनाएँ, एक मामला सामने आता है कि मकान मालिक ने सत्यापन किया था या नहीं, ये जैसी घटनाएं सामने आती है, तो जब हमने इनसे पूछताछ की है तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इनकी ओर से सत्यापन किया गया है, हर किसी प्रकार की जानकारी उनकी ली गई थी। और यही कारण है कि कल घटना घटित होते ही तुरंत परिजनों को सूचित किया गया, उसके बाद परिजन यहाँ पहुँचे और यहाँ से जो बॉडी है वो लेके चले गए। बहरहाल ऐसी भी जानकारी है कि यहाँ पे जो वो मृतक था वो 2 साल से रह रहा था, और वहीं इसी एरिया के आसपास वो लगभग 25 से 24 सालों से रह रहा था, लेकिन नशे की लत कहीं ना कहीं उसकी जान ले गई। ऐसा ही मामला लगातार हल्द्वानी से सामने आ रहा है, जहाँ नशे के चलते काफ़ी जो लोग हैं वो मौत के घाट खुद को उतार रहे हैं। कुछ महीनों पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी जहाँ एक बेहद जो युवा लड़का था कुछ ही दिनों पहले जेल से निकल कर आया था, उसकी भी नशे की लत ने जान ले ली, और फिर से बनभूपुरा से मामला सामने आया है। बहरहाल इसको बताने का तात्पर्य फिर से बता दूं, केवल नशे से दूर रहने की सलाह आप लोगों को है। इस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, ये जो मामला है बेहद गंभीर इसलिए है कि लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पूरी कार्रवाई वो कर दी गई है, पंचनामा भर कर जो बॉडी है वो परिजनों को दे दी गई है, और अभी भी यहाँ पर स्थिति है वो सामान्य है। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही, यही उम्मीद है कि नशे से दूर रहिए, जितना हो सके प्रशासन का सहयोग इस मुहिम में करिए, और इस प्रकार की घटनाएं ना सामने आए। हल्द्वानी बेहद सुंदर हमारा शहर है, वहाँ से ऐसी घटनाएं एटलीस्ट सामने ना आए, उसको सुनिश्चित करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मैं सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जे जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।